लड़की संग अपना फोटो लिए ये महिला आप जो देख रहे हैं, इसका नाम है अरुणा कुमारी और ये शिकार हुई है लव सेक्स और धोखे की। जी हाँ, इस महिला का आरोप है कि राहुल कुमार की शख्स ने इसके साथ फेसबुक पर पहले दोस्ती की और फिर धीरे धीरे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में से फंसा लिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि ये अपना घर छोड़कर कुछ दिन तो इसके साथ रही, लेकिन जब इसने राहुल से शादी करने के लिए कहा तो राहुल ने शादी से साफ इनकार कर दिया। वैसे तो ये महिला यूपी की रहने वाली है और मुंबई में टीवी सीरियल में बतौर जूनियर आर्टिस्ट का काम करती है और शादीशुदा भी है। बावजूद इसके ये राहुल कुमार की बातों में फंसती चली गई और अपने पति और बच्चे को छोड़ने को तैयार हो गई। राहुल से शादी करने के लिए इसने अपनी गृहस्थी को छोड़ा और बिहार के कटिहार पहुँच गयी। मैं मुंबई से कटिहार आई हूँ एक फ्रॉड बंदे की तलाश में, जिसका नाम राहुल कुमार है और मैं उसे प्यार से ईशांत करके बुलाती थी। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ जो मैंने कई सीरियल में वर्क किया है और 5 साल पहले मैं इससे फेसबुक के द्वारा मिली, तब मैं एक हाउसवाइफ थी और मुझे इसने बहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में फंसाता चला गया। मैं भी एक महिला थी और मैं इसकी फीलिंग में ढलती चली गई, इसके इमोशनल में बहती चली गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं भी एक मैरिड हूँ, बच्चे वाली हूँ, मैं सब कुछ जानबूझकर इसके प्यार में बहती हुई चली गई। पर आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ यहाँ पे कटिहार में आ करके। मैं मुंबई से 22 तारीख की आई हुई, ना ही मेरी कोई सुनवाई हो रही है, मैं सब जगह इधर उधर भटक रही हूँ, कोई भी प्रशासन मेरी नहीं सुन रहा है, सब मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं, पर उस आरोपी को कोई नहीं पकड़ रहा है, वो आज़ाद अब भी घूम रहा है। और प्रूफ क्या है? मेरे पास उसका एग्रीमेंट प्रूफ है जो कि उसने दिसंबर में 12/12/19 को मेरे साथ किया और मैं 11 तारीख को 11/12/19 को मैं इसके घर पे आई और मैं 18 तारीख तक इसके घर पे रुकी और मेरे साथ इसने जो भी रहता है हम लोगों का एक लविंग रिलेशनशिप वो भी इसने संपर्क बना के रखा। और आज मैं उससे बोलती हूँ कि मुझे एक्सेप्ट करो, बट वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। आपसे भी ठगा भी है, पैसा भी पड़ गया। मेरा उसने 60,000 रुपये और मेरे अकाउंट से 20,000 रुपये और मेरे 5 तान के गहने जो कि 13 तोले सोना होगा करीब, वो इसके घर पे मैंने ले जा करके इसके कटिहार के जो रूम रेंट पे लिया हुआ है मैंने इसके घर पे इसको दिए, बट आज वो सब चीज़ से मना करता है कि मुझे कुछ नहीं दिया है। चाहते क्या है? मैं सर इंसाफ चाहती हूँ, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं यहाँ पे भटक रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, अजनबी शहर में अकेली फंस के और उसकी पूरी फोर्स पर मुझे सब जलील कर रहे हैं यहाँ पर। राहुल कुमार उसका नाम है, मैं उसे ईशांत बुलाती हूँ, वो जियो सर्विस सेंटर में है। वहीं आरोपी राहुल ने अपने ऊपर लगने वाले सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, जो भी फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई थी मैं इसे भी एग्री करता हूँ, बट जब फेसबुक पे से दोस्ती हुई आज से 5 साल पहले और उसके बाद उससे पहले जब ये सब हुआ हो रहा है अभी, उससे पहले मुझे पता था कि वो शादीशुदा नहीं है, बट अभी जब बात हुई शादी करने की तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा और मैं अपने पति बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, जबकि मैं बोला कि नहीं, मैं मुझे तो शादी करनी है, मैं करूँगा, तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि ये हमारा समाज नहीं मानता है और समाज नहीं मानता है, हमारे गांव देहात के जो भी हैं परिवार के लोग वो भी नहीं मानते हैं इस चीज़ को, तो फिर इसमें ऐसे हम कैसे रह पाएंगे, हमारी भी तो ज़िंदगी है। तो हम उसको बोले कि हम शादी के लिए एग्री हैं, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। तो वो अब पैसा क्यों लिए थे, क्यों जेवर वगैरह लेकर रखे उनका, ये किसने कहा ऐसा? मैंने तो नहीं, ये सरासर गलत है, ये झूठा आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है, ये ब्लैकमेल किया जा रहा है इसका मतलब मुझे, बाकी और कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिया है, जो भी किया गया है वो सरासर वो गलत है। कितना दिन से आप लोगों का रिलेशन था? 5 साल से थे, जो कि हम लोग उनके घर पे कभी हम गए नहीं हैं आज तक, लेकिन हाँ जो आना जाना होता था वो हम लोगों का ऐसे एज ए दोस्ती में, आप लोग जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं आप शादी करने, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, बट उसे डाइवोर्स हमने बोला भी था उसको कि डाइवोर्स दे दो क्योंकि हमारा समाज इस चीज़ को नहीं मानता है, डाइवोर्स दे दो, हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रही है कि तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हें बहुत ही बर्बाद कर देंगे। इस तरह का मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है
एक मुंबई में कार्यरत महिला है जो संभवतः यूपी की रहने वाली है और हम लोगों ने कांड दर्ज करने का आदेश हो चुका है, संभवतः कांड दर्ज भी हो गया है और हम लोग इसमें अधिकतर कार्रवाई करा रहे हैं, जो भी संभव होगा हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अरुणा और राहुल दोनों ही एक दूसरे के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अब इस प्रेम कहानी में आरोपी अरुणा कुमारी है या राहुल कुमार, ये पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। कटिहार से न्यूज़ के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।